हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के अंदर शेडर कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में आना है। इसके बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है एंड जो भी फोल्डर आपने डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है गेम एंड मोजांग एंड इसके अंदर जाके रिसोर्सेज पैक को ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्सेज पैक का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये रिसोर्सेज पैक में जाके आपको पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट कर दे, आपका काम बस ख़त्म हो गया। ये तो हो गया जीप फाइल का। यदि आपको एमसी पैक मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड दोस्त के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे करेंगे यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दे, माइनक्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा एंड इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप अब यहाँ आपको प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे आप प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके वर्ड यहाँ पे दिखाए जाएंगे। एंड पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपको रिसोर्सेज पैक के ऑप्शन में जाना है, देखो, और यहाँ पे आपको शेडर मिल जाएगा जो भी आपने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो केली आरटीएक्स दिखा रहा है, जो भी मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो इधर पे आपको एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देख सकते हो दोस्तों, इधर पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको गेम को प्ले करके एंजॉय करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।